हेलो फ्रेंड, दिस इज सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल इन्फो नॉलेज हब। इसके पहले इस चैनल का नाम साइंस ट्यूटोरियल था, लेकिन मैं इसमें और तरह की सीबीएसई रिगार्डिंग, गवर्नमेंट जॉब रिगार्डिंग, एडमिशन रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहती हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव मैसेजेस भी इसमें देती हूँ, तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है। तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है कि ये कौन सा चैनल है, बस नाम चेंज हुआ है और बाकी सब कुछ वे ऑफ टीचिंग मेरा वही है, सब कुछ वही है। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ क्लास 10 चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए है, जिसके लिए ये गूगल शीट के लिए एक्सप्लेन करने के लिए लाई हूँ। गूगल शीट मैंने खुद बनाया है और ये सेल्फ इवेल्युएशन शीट है। ये इसलिए मैंने दिया कि वी आर वर्चुअली इंटरेक्टिंग विच अदर, हम वर्चुअली एक दूसरे को देख रहे हैं। कभी मैं आपको इवेल्युएट नहीं कर पाऊंगी कि वट एवर आई हैव टॉट, मैंने आपको क्या पढ़ाया है। तो गूगल शीट एक अच्छा तरीका लगा मुझे कि मैं आप तक उसके आंसर का वीडियो भेज के उसके नीचे लिंक डाल देती हूँ उसी गूगल शीट का। तो सबसे पहले यू आर एडवाइस टू डू दैट गिवन गूगल शीट बाय योरसेल्फ। सबसे पहले तो आप अपने आप से करेंगे, उसके बाद आंसर के लिए, आंसर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने उसका वीडियो बनाया है, उसको देखेंगे तो ये सेल्फ इवेल्युएशन हो जाएगा। जैसे ही आप वो गूगल शीट अटेम्प्ट करेंगे उसका आंसर मेरे पास भी आ जाएगा, और एज वेल एज यू कैन ऑल्सो चेक योर आंसर, व्यू योर आंसर, और कहाँ मिस्टेक है ये भी आपको दिखेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी और ट्यूटोरियल में, ऑनलाइन क्लासेस में इतनी सारी चीजें होती हैं कि एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद, एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बाद इम्पोर्टेंट नोट्स बनाया मैंने, इम्पोर्टेंट नोट्स भी आपको दिया, और उसके बाद बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन भी मैं ऑनलाइन कराती हूँ। उसके लिए मैं दीक्षा ऐप से भी हेल्प लेती हूँ और कहीं और से भी ले लेती हूँ, पर मैं बेसिकली सीबीएसई को फॉलो करती हूँ। तो वो गवर्नमेंट के जितने भी साइट्स हैं उनका मैं यूज करती हूँ ताकि वो चीज आपको यूजफुल हो, बोर्ड में आए वही मैं दूं, अननेसेसरी फालतू की चीजें मैं न डालू। तो आप उसके बाद लास्ट में गूगल शीट लेके आती हूँ। अभी जो आपका बोर्ड क्वेश्चन का पार्ट वन अभी चल रहा है, एक ही पार्ट दिया है, गूगल शीट का भी पहला पार्ट अभी दे रही हूँ सेट वन। अगर मुझे टाइम मिला तो अक्टूबर नवंबर में मैं सेकेंड सेट रिलीज करूंगी फॉर योर बोर्ड पर्पस। उस सेकेंड सेट के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि सेकेंड सेट रिलीज हो गया है। एटलीस्ट आप उतना भी कर लेंगे तो आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मतलब जो पूरे में पूरे आते हैं वो तो आएंगे, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है, क्योंकि एक एक लाइन मैंने एक्सप्लेन किया तो कहीं से कुछ छोड़ा नहीं है। और अगर पूरी भी, अगर आप बिलो एवरेज बच्चे हैं, अगर आपको पास होने में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पास तो बिल्कुल ही हो जाएंगे, ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। तो वो आप रिवाइज एग्जाम के समय, वो बिल्कुल अगर टाइम ना हो तो गाड़ी में बैठे बैठे या कहीं भी सेंटर पे भी आप देख सकते हैं एक बार कि ये गूगल शीट में है क्या। अब जो मेरे नोट्स हैं और जो मेरे बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अभी तो मैं छोटे वाले क्वेश्चंस करा रही हूँ, पर सेकेंड सेट रिलीज करूंगी तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊंगी ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए आज तो मैं गूगल शीट आपके सामने ओपन करती हूँ और देखती हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा गूगल शीट है। तो मैं सबसे पहले तो इस पे अपना नाम लिख दूं, क्योंकि नाम रिक्वायर्ड है। तो ये बैक चला गया, चूंकि इसको मैंने ही बनाया है तो इसने रीड कर लिया कि मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ। तो फिर से मैं इसको प्रीव्यू में ले जाती हूँ और देखती हूँ। ये मैं अभी मैंने बनाया, तो अगर मैं ये चला सकती हूँ तो मैं इसी से लिख दूंगी। मेरा नाम है, आपको पता है, सुमन। तो यहाँ मैं अपना नाम, ये चलाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस इतना आसान नहीं होता है जितना कि आप ऑफलाइन लेते हैं। तो चलिए, ये मैंने अपना नाम लिख दिया, अब हम आगे चलें। अब हमारा, चूंकि ये नाम हो गया, अब मुझे रब करना पड़ेगा, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो मुझे ये रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अब आगे लेके आती हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ बिग ट्री फॉल्स इन अ फॉरेस्ट बट इट रूट्स आर स्टिल इन कॉन्टेक्ट विद सॉइल। रूट कॉन्टेक्ट में रहता है सॉइल के। द ब्रांचेज ऑफ दिस फॉलन ट्री ग्रो स्ट्रेट अप, जबकि ब्रांचेज स्ट्रेट अप सीधे ग्रो करता है। व्हाट दिस हैपेंस, तो आपको ट्रॉपिज्म आपको पढ़ा है आपने एनसीईआरटी में, तो ये किस वजह से होता है? तो ये ग्रेविटी की वजह से क्या करता है, रूट नीचे जाता है, और लाइट की वजह से क्या होता है, लीफ ऊपर जाता है, लाइट की ओर जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो मेरे ये आंसर होगा लाइट एंड ग्रेविटी। तो सेकंड देखेंगे, द प्लांट हार्मोन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सीबीडी ऊपर नीचे हो गया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
द प्लांट हार्मोन विच ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स, जो कि मैच्योर लीव्स फ्रॉम द प्लांट बॉडी से मैच्योर लीव जो ट्रिगर करता है गिराता है, ठीक है। तो ट्रिगर ऑफ लीफ का मतलब एब्सेसिक एसिड होता है, ठीक है। अगला है द नंबर ऑफ पेयर ऑफ नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड 31, ये तो पढ़ाया आपको, नोट्स में भी दिया। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायरोक्सिन के लिए होता है जो थायराइड ग्लैंड में होता है, नहीं तो गाइटर डिजीज हो जाता है, ये भी आपको पता। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी, तो मेडुला एंड इन हिंडब्रेन, मेडुला हिंडब्रेन में ही होता है, फोरब्रेन मिडब्रेन हिंडब्रेन, तो मेडुला कहाँ होता है, हिंडब्रेन में सिचुएटेड होता है, फोरब्रेन में तो मेडुला होता ही नहीं है, तो ये गलत है, स्पाइनल कॉर्ड में भी नहीं होता है, मिडब्रेन में भी नहीं होता है, तो इसका सीधे से आंसर ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द रेगुलेट द लाइफ प्रोसेस, तो ये हमने अभी पढ़ा एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो हम इसमें लगाएंगे। The dramatic change in the body feature associated with puberty. Puberty मतलब जब बचपना से हम थोड़े किशोरावस्था में जाते हैं तो उसे बोलते हैं, तो उसके लिए सेक्स हार्मोन जो हमारा है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो ये होगा एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, नहीं, एस्ट्रोजन तो ओवरी से निकलता है, एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड बिल्कुल नहीं, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलता है और एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, ओवरी से, तो फीमेल में एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है, मेल में टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये होगा। इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कैसे होता है, तो सबसे पहले तो रिसेप्टर ऑर्गेन पे आता है, वहां से कौन लेता है, डेंड्राइट लेता है, डेंड्राइट ने लिया, उसने सेल बॉडी को दिया, स्ट्रक्चर आप याद कीजिए, बिल्कुल आप स्ट्रक्चर आप बिल्कुल याद कर सकते हैं, ये जैसे है, ये मान लीजिए मैंने ये सारा डेंड्राइट बना दिया, ठीक है, यहाँ पे अंदर ये क्या है, ये सेल बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे फिर लॉन्ग फाइबर जो है ये एक्सोन का जा रहा है और ये एक्सोन यहाँ पे जाके एंड हो जा रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे माइलिन शीट की कवरिंग होती है, आपको पता है माइलिन शीट प्रोटीन और फैट का बना होता है, ये मैंने बार बार बना है, तो कहाँ से आया, रिसेप्टर के पास डेंड्रॉन होता है, डेंड्रॉन ने इसने लिया, इसने लेके सेल बॉडी में दिया, सेल बॉडी ने एक्सोन को दिया और एक्सोन ने एक्सोन के एंड, ये एक्सोन का एंड है, यहाँ तक ले लिया, तो हमारा कौन सा होगा, हमारा होगा ट्रेवल इन न्यूरॉन फ्रॉम्स, ये हमारा होगा सबसे पहला तो होगा ये डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से दिस वन, ये आंसर, सॉरी इसको मैं हटा दूं नहीं तो ये ठीक नहीं होगा, तो ये आंसर हमारा होगा, हम इसको देख जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, बिकॉज क्योंकि इंसुलिन उसी को दिया जाता है, इंसुलिन जो है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, तो जिसके बॉडी में इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है, ब्लड शुगर लेवल कम होता है, तो उसको बाहर से इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है, उसका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, तो हमारा ये होगा ब्लड शुगर लेवल वॉज हाई। अगला है द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ, अर्थ की वजह से जो होता है वो जियोट्रोपिज्म होता है, क्योंकि हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर की वजह से है, कीमोट्रोपिज्म केमिकल फ्लो की वजह से है, फोटोट्रोपिज्म लाइट की वजह से है, तो वी हैव अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमने सब कर लिया, अब इसको हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद चूंकि यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा था, तो मैं यहाँ पे अगर नाम लिखूंगी तभी सबमिट होगा, मैंने पेन से लिख दिया था स्क्रीन रिकॉर्डर से, अब हम इसको सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद हम इसका आंसर चेक करेंगे, ऐसे क्रॉस वेरीफाई भी हो जाता है। ये हमारा व्यू स्कोर है, व्यू स्कोर जो है ये हमारा सीधे व्यू स्कोर आ जाता है 10 out of 10, कहाँ पे क्या गलत है ये भी आपको बता दिया जाता है। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे जिनको ट्यूशन क्लासेस नहीं मिल पाती है उनका बेनिफिट हो सके। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।